कल मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जहां पे सिर्फ टेस्टिंग हुई थी ऑफ डीजे सार्जन. ओके, रोड शो वाला जो था, सिर्फ टेस्टिंग में ही इतना खतरनाक था सारी चीजें, रिस्पॉन्स एंड भीड़ एंड सारी चीजें. तो यहाँ पे मैं अब रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन डीजे सार्जन बोकारो नाइट रोड शो, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़. ओके, और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि उमेश पॉप लॉग्स के वीडियो पे रिएक्ट करो, तो मैं उनके वीडियो पे अब रिएक्ट करूं बिकॉज सब लोगों ने बोला क्वालिटी सबसे अच्छी उनकी है. तो देखो, क्वालिटी वाइज ही हमको समझ में आता है ना फिर कि कैसा था एक्चुअल रिस्पॉन्स वहां पे. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मेरा नाम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. आप लोग देख पा रहे हो भाई, 1 किलोमीटर लंबा तक भाई जाम लगा है भाई, पूरा पब्लिक का भाई लाखों में भीड़ है दोस्तों, लाखों. Thank you.
इतना भीड़ आज तक बोकारो में कभी भी नहीं देखे हैं। माँ कसम में बहुत है। अभी देख सकते हैं रोड शो अभी फिर से वहीं पर आ गया है जहां से बुकिंग किया गया है, मजदूर मैदान। ये देखे यहीं पे, ये देखे पंडाल दिख रहा है यहीं पर, यहीं से रोड शो फिर देखे फिर से अभी पूरा सिटी सेंटर होकर फिर से वापस यहीं पर आ गया है। अब यहां से आपका जाएगा हाईवे, हाईवे में जहां पे विसर्जन होता है। अब से रोड शो फाइनली स्टार्ट होता है। अभी मतलब जो मेन मार्केट एरिया था वहां से घूम के आ चुका है रोड शो। ठीक है, अभी जा रहा है मेन हाईवे रोड में। आप चलिए देखते रहे वीडियो को, बाकी आप लोग फिर से एक बार गणपति बाप्पा का दर्शन कर लीजिए और कमेंट में गणपति बाप्पा जरूर लिखिएगा। आप लोग जरूर गणपति बाप्पा मोरिया। बाकी देखिए भाई, 10 से लाखों लाख तो नहीं होगा भाई, 2 लाख से भी ज्यादा भीड़ होगा। ऑब्वियसली देखने में बहुत ज्यादा भी आ रहा है। डीजे का बात से इतना ज्यादा भीड़ होना आउट ऑफ कंट्रोल। बोकारो के इतिहास में पहली बार इतना भीड़ देखा गया है भाई। इतना भीड़ मतलब आज तक कोई डीजे वाला में इतना भीड़ नहीं दिखा गया, खास करके बोकारो में भाई, पहली बार है इतना भीड़। मजा आ गया भाई। जो जो आए हैं आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि भाई कितना ज्यादा भीड़ था। जो आए हैं आप लोग शायद नहीं यकीन मानिएगा कि भाई इतना भीड़ था, लेकिन मैं यकीन मान रही है लाख से भी ज्यादा भीड़ है भाई, लाखों से भी ज्यादा। इतना क्रेज है, मेरे पास भाई ड्रोन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। जहाँ जहाँ ऊंचा एरिया है वहां से दिखाने का। बाकी ये देखिए रोड शो आ गया यहाँ पर, अभी देखिए खाली है। ठीक है, बस इसके पीछे इतना जबरदस्त है ना यार कि क्या ही बोले। ये वाला पूरा रोड भी पूरा भीड़ है। इधर से तो भाई 2 लाख का कम से कम तो भीड़ आ रहा है, और यहाँ भी भीड़ देख सकते हैं आप लोग।
भाई इतना ज्यादा भीड़ है ना कि अच्छा से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। एक बार अगर पीछे चल जा रहे हैं ना भाई तो 2 घंटे लग जा रहा है हमको आगे आने में। एक्चुअली खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा भीड़, तो आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा कितना ज्यादा क्रेज है। हमको तो भाई अभी तक से हरिद्वार के बाद यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ लगा। ये देखिए अभी आ रहा है रोड शो, भाई नेक्स्ट लेवल भीड़ है। देखिए ये रोड पूरा ब्लॉक है और उधर भी देखिए आप लोग बहुत भीड़ है भाई, जितने एक्सेप्ट किए थे उससे कई गुना ज्यादा ही भीड़ है। और अभी मैं आपको डीजे का पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, कि कितना ज्यादा भीड़ है, बहुत मतलब लाखों से भी ज्यादा का क्रेज है। पहली बार बोकारो में इतना ज्यादा भीड़ दिखा भाई, आप लोग भीड़ में बने रहिए लास्ट तक। देखिए आप लोग भीड़ देखिए एक बार भाई, उधर देखिए भाई उधर, मतलब आज बोकारो के लोग भी भाई देख लिए कि भाई ये डीजे साजन क्या है। अभी रुकिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, गाड़ी को थोड़ा आगे आने दीजिए, उसके बाद का मैं उसका पीछे का व्यू दिखाता हूँ। तब आप ये देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप देखिए दोस्तों, और दोस्तों लेजर जो लाइट है ना, लेजर लाइट में गणपति बप्पा मोरिया भी लिख जा रहा है भाई। दिन तो आपका समझ में आ जाता, रात में नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखिए दूर दूर तक समझ, मतलब जैसे आसमान का कोई अंत नहीं होता ना उस तरह भीड़ का कोई अंत नहीं दिख रहा। देखिए कैमरा में और रियल में आंख में भी वैसे ही दिख रहा है। देखिए भीड़, वाह ये क्रेज है, बारों में पहली बार इतना भीड़ हुआ है। दिस इज एक्चुअल क्रेज, भीड़ देखिए भाई, और इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ हो गया है ना कि रोड शो का अच्छा से मतलब ले जाया नहीं जा रहा है और हम लोग वीडियो भी नहीं बना पा रहे दोस्तों। जितना भी यूट्यूबर आया है ना, भीड़ के कारण भाई वीडियो कोई भी नहीं बना पा रहा है। अगर एक बार कोई बीच में फंस गया ना तो उसको आगे जाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। देखिये वो रोड भी देखिये पूरा भाई, पूरा दूर दूर तक लोग है, इधर भी लोग है और डीजे के आगे में भी बहुत लोग थे। और देखिये ड्रोन भी उड़ रहा है ऊपर में, जिसका भी ड्रोन है भाई बहुत अच्छा, उसका पूरा व्यू आ रहा होगा उसके व्लॉग में, पूरा व्यू होगा राइट। आज भाई पूरा बोकारो के लोग देख लिए कि भाई डीजे साजन क्या चीज है भाई, सभी देख के भीड़ देख के भाई सभी को दंग हो गए हैं भाई कि एक डीजे का इतना ज्यादा क्रेज। जय श्री राम, इस सही में यार लाइट्स वगैरह सारी चीजें। देखिए डीजे गाड़ी बहुत दूर तक चल गया है, अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा भीड़ का। देखिए हाँ, अच्छा फिर एक बार स्टार्ट हो गया। पहुंच चुका है नया मोड़, और एक बार नया मोड़ का आप लोग क्रेज देखिए, भीड़ देखिए आप लोग एक बार। ये देखिए ये गोल चक्र है नया मोड़ का, अब हम लोग जाएंगे इस साइड, इधर पड़ता है चास जोधाडी मोड़, इस साइड हो गया। हम लोग अभी बोकारो साइड से आए, ये एकदम नया मोड़ का मेन चौक है, तो चलिए आप दिखाते हैं आगे।
धुनी बाजार तक पहुंच चुका है। ये देखिए धुनी बाजार का रोड यहीं पर है, तो अभी आधा रास्ता कवर हो चुका है, अभी और आधा बाकी है और भीड़ घटने का भाई नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों ये देखिए धुनी बाजार, इस साइड पूरा धुनी बाजार का मार्केट है। और अभी देखिए अभी का लाइव अपडेट आप लोग, और भाई साउंड को पूरा फुल नहीं किया जा रहा है, कम साउंड में ही बजाया जा रहा है, क्योंकि ये कंजेशन एरिया है भाई बहुत। ओके यहाँ पे घर भी है। इसमें लड़की आ ही नहीं सकती राइट, इतनी भीड़ है। तो अभी हम हैं एक पेट्रोल पंप पर, यह पेट्रोल पंप धोनी वजह से थोड़ा सा आगे में है, और अभी देखिए रोड शो यहाँ तक आ चुका है। अब हम लोग बस थोड़ी देर आगे में पहुँचने वाला है, चास इन करने वाला है, और भाई चास थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भाई गजब का भीड़ होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी देखिए रोड शो आ गया है, और दोस्तों बोकारो डिस्ट्रिक्ट में भाई ये मतलब एक रिकॉर्ड बन गया है कि इतना भीड़ एक साथ एक रोड शो में, भाई ये एक रिकॉर्ड हो गया। डीजे साजन ने ये करके दिखा दिया भाई, इतना भीड़ कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया था कि इतना भीड़ हो जाएगा भाई। ये देखिए सेटअप आपको। तो दोस्तों अभी एक अपडेट सुनने को मिला कि जो डीजे सार्जन का सेटअप है वो भाई गरगा पुल का उस साइड नहीं जाएगा, मतलब चास का मेन मार्केट नहीं जाएगा, बहुत भीड़ हो गया है, इसी के कारण ये बड़ा एक्शन लिया गया कि सेटअप को गरगा पुल के इसी पार रखा जाएगा, बाकी मूर्ति बाकी जो विसर्जन है वो जाएगा ठीक है जहाँ पे लोकेशन है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं ये है चास का व्यू, आगे में है गरगा पुल, और दोस्तों इससे आगे रोड शो नहीं जाएगा भाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है ठीक है।
भाई ऊपर से ऑर्डर आया कि इसके आगे सेटअप और नहीं जाएगा, इसलिए अब रोड शो दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, बस यहीं पे गाड़ी खड़ा होने वाला और सेटअप भी यहीं पे खुलने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा रोड शो छोटा पड़ गया क्योंकि भाई भीड़ के कारण बहुत इस तरह करन हुआ। देखिए ये चार्ज का व्यू है, आगे में गरगा फिनिश है वहाँ पर। अच्छा तो ये भीड़ के वजह से आगे नहीं जाएगा, एक्शन ले लिया गया इस पे। ओह नो, ये देखिए सेटअप बस शायद साइड में खड़ा होगा यहीं पर। सभी ब्लॉगर भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सहयोग रहा है, तो आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पप्पा सभी की मनोकामना तो हम लोग डीजे को यहीं छोड़ेंगे और पापा का प्रतिमा को लेके आगे बढ़ेंगे। गाड़ी और डीजे यहीं पे समापन होगा और सेटअप को भी यहीं अनलोड किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन लिया कि क्या हुआ वहाँ पे, गरगा पुल का इस पारी सेटअप को रोक दिया गया, अब वहीं पे सेटअप खुलने वाला था और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर। दोस्तों क्या ही करें, रोड शो आगे तक नहीं जा पाया, बहुत भीड़ हो गया था दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो ऐसा तो नहीं है ये मैं फर्स्ट वीडियो पे रिएक्ट कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्ट किया है एंड मैंने देखा है क्राउड का क्रेज, और इस बार इस तरीके का क्राउड था कि आगे तक लेके ही नहीं जा पाए, डीजे को वहीं पे बंद करना पड़ा। ओ माय गॉड, दिस इज डिफरेंट क्रेज। और एक हाईलाइट कमेंट मुझे हर वीडियो में दिखता है, तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा था रवि चौधरी। ये रवि चौधरी से रिलेटेड सारे कमेंट्स क्यों है, फर्जी आईडी से देख रहा होगा, रवि चौधरी का तो ऐसा हो गया होगा। वो इज हियर डीजे, क्योंकि रावण डीजे रावण का कुछ तो था ना लास्ट टाइम, वो बताया मुझे, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी थे, बट हु इज डीजे रवि ये नहीं पता मुझे। एक बहुत प्यारी चीज मुझे लगी कि फुल थ्रू आउट भगवान के गाने ही थे। हाँ, एक बॉलीवुड सॉन्ग मुझे सुनाई दिया बट बाकी के सारे भगवान के सॉन्ग थे। तो विदाउट मतलब ये सोच रखी हुई है उन्होंने दिमाग में कि ये भगवान के लिए हमको बुलाया है, भगवान का कार्यक्रम है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लाइक हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, दही हांडी के टाइम पे एक रशियन को बुलाया था, शी वॉज अ डांसर, एंड गणपति के टाइम पे अभी रशियन डीजे को बुलाया था। तो लाइक ये अपना फेस्टिवल है विच इज ट्रेडिशनल एंड व्हाट आर दे डूइंग इनटू दिस, तो मुझे ऐसा लगा कि फेस्टिवल्स थोड़ा सा अलग टर्न ले रहे हैं, तो इन्होंने भगवान के गाने बजाए, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले छा बाय।